जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज MBA का पेपर था, वो भी आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इससे पहले बच्चों, 15 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वो तमाम स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री के इम्तहान से फारिग हो चुके हैं, बाकी सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं, तो वो क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुके हैं ये आगे पेपर होने या नहीं होने। बच्चों, ये बात की बात है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। रमज़ान में अगर आप क्लासेस नहीं देते, ईद के बाद इंशाल्लाह किसी वक्त आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और आपको पता है कि एनुअल इम्तहान की डेटशीट 1 मंथ पहले आ जाती है, और अगर डेट शीट आ जाती है और आप इसी तरह बैठे हुए हैं फारिग, तो फिर क्या करेंगे? फिर वही सप्ली का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आपकी तैयारी स्टार्ट कर दें, मेजर सब्जेक्ट जो है ना एटलीस्ट वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो ये MBF का पेपर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर भी 100% पूरा ही गेस्ट पेपर से है, बहुत आसान पेपर आया। ये थोड़ा सा बच्चों ब्लर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पेपर बच्चे सेंड करते हैं। डिफ्लेशन का क्वेश्चन आया हुआ, उसके बाद है कि ट्रेड साइकिल की करेक्टर भी और फेस, इसमें दोनों ही चीज़ें लिखनी थी। एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन आया हुआ, एक्सचेंज रेट का वैसे मैं करवाता नहीं, बैंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक आया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी, बिजनेस फाइनेंस का नीचे नोट आया। मैंने बड़े सिंपल तरीके से ना जो स्टूडेंट्स को एक बुक लगाई है वहाँ से वो याद कर लेते हैं, बड़े अच्छे वो आराम से जो है ना मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है, याद कैसे करना है सब ट्रिक्स वगैरह स्टूडेंट्स को बता दिए जाते हैं, लेकिन इसके ज़रिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, और सिर्फ यहाँ पर वही स्टूडेंट टिक सकता है जो कि रूल्स को फॉलो करता हो। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।